भाई कल राजस्थान वर्सेस पंजाब के मैच में पंजाब के टॉप ऑर्डर ने एक बार फिर बुरी तरह से जग दिया। कल भी बेचारे पंजाब के फैंस मैदान के अंदर टॉप ऑर्डर की बैटिंग देखने के लिए आए, लेकिन टॉप ऑर्डर ने उनको क्या दिखा दिया, संडास। खैर भाई कल बेचारे संजू को उसके खिलाड़ियों ने कैच ही नहीं पकड़ने दिया। कैसे नहीं पकड़ने देते, संजू ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और अथर्वा का कैच अच्छा खासा संजू पकड़ रहे थे कि कुलदीप ने बीच के अंदर भांजी मार दी और फिर पावर प्ले के बाद चैल ने सिमरन को चलता कर दिया और महाराज ने जॉनी और सैम करन को निपटा दिया। अब हर बारी का ठेका तो शशांक ने भी नहीं ले रखा था और फिर जब आशुतोष की कैच पकड़ने संजू आ गए थे तो आवेश ने बीच के अंदर भांजी मार दी। बाकी जितेश शर्मा, लिविंगस्टन और आशुतोष की थोड़ी अच्छी पारी की वजह से पंजाब के बन गए 147 रन। अब राजस्थान बैटिंग करने उतरी तो जॉश की जगह कल तनुष ने ओपनिंग करी। अब जायसवाल तो ठीक चले, लेकिन कोटियन का बड़ा स्लो पावर प्ले निकला और फिर जब तनुष की टेस्ट वाली पारी रुकी तो उसके बाद रवाड़ा ने जायसवाल और संजू को चलता कर दिया। लेकिन इस बीच जो राजस्थान ने टुलक टुलक गेम चलाया ना, उसकी वजह से उन्होंने पूरा मैच फंसा दिया और फिर जब रियान की विकेट गिरी तो उसके बाद विकेटें गिरती चली गई। मगर जब आखिरी ओवर में चाहिए थे 10 रन तो एटमार ने वो चेस करके राजस्थान को मैच जिता दिया पूरे 3 विकेटों से।